हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं आज आपको डीएसओ के बारे में बताऊंगा। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डीएसओ है। डीएसओ मतलब डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। अब हमारा सीआरओ मीन्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो, और डीएसओ, ये दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सीआरओ में हम सीआरटी स्क्रीन यूज करते हैं, मतलब जो हमारी ये स्क्रीन होगी ये हमारी सीआरटी होगी, और हम लोग जो डीएसओ में यूज करते हैं वो हमारा एलसीडी स्क्रीन होगा। मतलब आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ये हमारा एलसीडी स्क्रीन है। सीआरओ हम लोग सीआरओ में वेवफॉर्म स्टोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डीएसओ में मीन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप में वेवफॉर्म स्टोर कर सकते हैं। सीआरओ आप देखे होंगे कि सीआरओ बहुत ही बल्कि होते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, लेकिन डीएसओ हमारा लाइट वेट होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, मीन्स कंपेयर टू सीआरओ कम एनर्जी लेता है, और बैटरी पे भी ये चल सकता है। डीएसओ बैटरी पे भी चल सकता है। सीआरओ वैसे तो चीप होते हैं, सीआरओ प्राइस में कम होते हैं, लेकिन डीएसओ प्राइस में ज्यादा होते हैं। और सीआरओ में नॉर्मल ट्रिगरिंग हम लोग यूज करते हैं और डीएसओ में हम लोग एडवांस ट्रिगरिंग यूज करते हैं। ये आपको मैंने बेसिक बता दिया कि सीआरओ और डीएसओ में क्या अंतर है। अब मैं बताता हूं कि ये डीएसओ जो देख रहे हैं आप, कि मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही आप डीएसओ, कोई भी ब्रांड कोई भी मेक का डीएसओ लेंगे, तो सबसे पहले उसे उसका दोनों चैनल पे कुछ अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। ऑन होने के बाद, मतलब मैंने इसको ऑफ किया, ऑफ होने के बाद मैंने इसको फिर से ऑन किया। ऑन होने के बाद क्या करना है, दो मिनट वेट करना है। वेट करने के बाद जब स्टेबल हो जाएगा तो आपको लाइन दिखेगी यहाँ पे। अब ये स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के बाद हर एक सीआरओ में आप देखना कि आपको एक चैनल में एक बटन मिलेगा, बटन में लिखा रहेगा सेट डिफॉल्ट सेटअप। तो आपको ये डिफॉल्ट सेटअप प्रेस करना है। डिफॉल्ट सेटअप प्रेस करने के बाद क्या होगा कि सीआरओ पर जो डिफॉल्ट सेटअप है, जैसे हम मोबाइल में, जैसे हम लोग ये करते हैं मोबाइल में फॉर्मेट करते हैं तो मोबाइल अपने डिफॉल्ट फॉर्मेट में आ जाता है, तो उस तरीके से हम लोग डीएसओ में क्या करेंगे कि डिफॉल्ट सेटअप करेंगे, तो ये हमारा डिफॉल्ट सेटअप मतलब डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करने के बाद दिखाएगा कोई भी की दिखा रहा है यहाँ पे, कोई भी प्रेस एनी की टू डिस्प्ले और हाइड द करंट मेनू, कोई भी एक की दबा दीजिए तो ये आपका डिसेबल हो जाएगा। ओके, अब ये क्या करना है कि सबसे पहले तो ये करना है कि हमको डीएसओ का जो मैनुअल है, जो मैनुअल दिया है वो मैनुअल एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही इसे ऑपरेट करना है। और इसके बाद मैंने वो मैनुअल पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद क्या करना है, इसके सब की को एक बार देख लीजिए कौन सा की कहाँ पे है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल पार्ट है मेरा। हॉरिजेंटल पार्ट मतलब कि अगर मुझे एक्स एक्सिस, जैसे एक्स पे मेरा टाइम होता है और वाई पे मेरा वोल्टेज होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। हॉरिजेंटल मीन्स ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए आपको ये इसका यूज होगा और ये इसका यूज होगा, ठीक है, इससे आगे पीछे होगा। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे चैनल वन है, ये मैं हम लोग का चैनल वन है पूरा, ये हम लोग का चैनल टू है। चैनल वन पे कुछ, अभी यहाँ पे वन का की ऑन है, ऑफ कर दिया, मैं इसको प्रेस करता हूं तो ऑफ हो जाता है, मेरा दोनों चैनल ऑफ हो गया है। ये प्रेस किया, चैनल ऑन हो गया। ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको चैनल वन पे जो भी मैं इनपुट दूंगा वो आपको चैनल वन पे दिखाएगा। चैनल वन अप डाउन करने के लिए ये वाला की है, चैनल वन, इससे मैं अप डाउन कर सकता हूँ। ओके, उसी तरीके से ये चैनल टू के लिए है, इसको मैं प्रेस करता हूं तो मेरा चैनल टू आ जाता है। चैनल टू आने के बाद इसको मैं अप डाउन कर सकता हूं। जो आप देख रहे हैं ये आपको जो यहाँ पे नॉब पे देखिए, तो नॉब पे भी कलर दिया है, यहाँ पे येलो कलर दिखा है, मीन्स ये पहली मेरी येलो कलर जो आ रही है ये मेरा चैनल वन है। दूसरा चैनल ग्रीन में है तो मेरा दूसरा ग्रीन में आ रहा है, ये ग्रीन में, मतलब ये चैनल टू है, ये मेरा चैनल वन है। चैनल वन का इनपुट यहाँ पे है, टू का इनपुट यहाँ पे है। अब क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, बाद में अभी मैथ फंक्शन है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब क्या करना है यहाँ पे कि हमको एक सीआरओ प्रोब लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने सीआरओ प्रोब लिया है, ये सीआरओ प्रोब मैं चैनल टू पे लगा देता हूँ, ठीक है। चैनल टू पे लगाने के बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्क्वायर वेव दिया है, स्क्वायर वेव ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर वेव जनरेट करेगा, इससे हम सीआरओ प्रोब अपना चेक कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले सीआरओ प्रोब चेक करना है, जैसे कि मैंने आपको सीआरओ में भी बताया था, मेजर करने के पहले आपको सीआरओ प्रोब चेक करना ही है।
अगर चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि एज्यूम कीजिए कि सीआरओ प्रोब खराब है और आपका आउटपुट नहीं आएगा और आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ये यहां पे लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पे अब मैनुअल, अभी यहां पे मैनुअल कुछ भी नहीं है, अब सीधा आपको क्या करना है, यहां पे दिख रहा है आपको ऑटो स्केल लिखा है, ये ऑटो स्केल को प्रेस करना है। ऑटो स्केल को प्रेस करने पे क्या होगा कि डीएसओ अपने आप ढूंढेगा कि कौन से चैनल पे इनपुट दिया है, सब चैनल पे ढूंढने के बाद आपको वेवफॉर्म लाके दे देगा। ये मैं यहां पे लिखा है मेनू ऑन ऑफ, तो यहां पे जो आप देख रहे हैं मेनू है, तो इसको दबा देता हूं तो मेनू बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली इसने ढूंढ के लाके आपको दिखा दिया है। अगर मैं ये मूव करूंगा तो मेरा वाई पे मूव हो रहा है, ओके, और अगर मैं ये मूव करूंगा तो मेरा एक्स पे मूव हो रहा है, ठीक है। और आपको देखिए, आपको स्क्रीन के बारे में बताता हूं, आपको यहां पे दिख रहा है चैनल टू 500 मिली वोल्ट, मीन्स चैनल टू का जो पोजीशन है वो 500 मिली वोल्ट पे है। या तो ऐसा कर लीजिए कि इसके एक बॉक्स का जो वैल्यू है वो 500 मिली वोल्ट है। यहां पे आप देखेंगे यहां पे टाइम डिवीजन लिखा है, मतलब मेरा ये टाइम डिवीजन, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल मींस टाइम, ये चेंज कर रहा हूं मैं, तो वेवफॉर्म भी चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, देखिए, ठीक है। अभी 500 हो गया, अब 200 हो गया, अब 100 हो गया, 100 माइक्रो सेकंड हो गया। और यहां पे आप जो देख रहे हैं ये मेरा ट्रिगरिंग पोजीशन है, जिसको अगर मैं वैरी करूंगा, ट्रिगरिंग के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रिगरिंग जब उसको वैरी करूंगा मैं, तो ट्रिगरिंग मेरा वैरी होगा, ओके। यहां पे दिया है एफ लिखा, एफ नहीं है, ये राइज वैल्यू है, मींस कि राइज वैल्यू में चैनल टू पे ट्रिगरिंग है। ट्रिगरिंग कहां से दे रहा है बता रहा है, चैनल टू पे 1.12 वोल्ट पे ट्रिगर किया है, 1.12 पे ट्रिगर करके ये वेवफॉर्म आपको स्टेबल करके दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि आपको इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में एक बार ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, आपको जो भी यहां पे की दिख रही है, यहां पे एक, जैसे मैं इस मेनू को प्रेस करूंगा या कोई भी बटन प्रेस करता हूं, जैसे मैंने चैनल टू प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद एक मेनू यहां पे खुल जाता है। ये मेनू को सिलेक्ट करने के लिए उसके करस्पॉन्डेंस की है, डीसी लिखा है इसका, ये है ऑफ के लिए, ये है 10x के लिए, ये है, बाद में एरो लिखा है एरो के लिए, ये है। अगर मैं इसको एरो को प्रेस करूंगा तो नीचे का जो मेनू है वो भी खुल गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये दे सकता हूं, और इसको वापस प्रेस करूंगा तो आ गया, यहां पे लिखा मेनू ऑन ऑफ। अगर आप सेट कर लिए, आपने कपलिंग कर ली, और इसको बंद कर देता हूं, दो बार दबाता हूं तो मेनू बंद हो जाएगा, ओके। वापस प्रेस करके मेनू आ गया। यहां पे पहला मेनू में क्या है, चैनल वन, ये मेनू कैसे आया, चैनल वन को मैंने जब प्रेस किया, जैसे अभी चैनल वन को प्रेस किया तो आ गया, ठीक है। अभी चैनल वन को आ गया कपलिंग। अब कपलिंग पूछ रहा है मींस कि आप कौन सा वोल्टेज यहां पे दे रहे हैं, डीसी दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं, जैसा कि सीआरओ में था एसी कपलिंग, डीसी कपलिंग और ग्राउंड। तो मैंने अब यहां पे डीसी स्क्वायर वेव है तो डीसी है, एसी मतलब साइन वेव, ग्राउंड मतलब कि स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं चेंज हो गई, स्ट्रेट लाइन आ गई, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा आपको दिखेगा, स्ट्रेट लाइन आ गई मींस ये मेरा ग्राउंड हो गया, ओके। तो मेरी अभी कपलिंग डीसी है, बाद में बैंडविड्थ ऑन करना है कि ऑफ रखना है। प्रोब मींस ये जो हमारा ये जो प्रोब मैंने लगाया, ये अटेन्यूएशन प्रोब है मेरा। तो प्रोब में आप डिफरेंट कर सकते हैं, और इसको अप डाउन करने के लिए क्या करना है आपको, इसका यूज करना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको प्रेस करता हूं, यहां पे अप डाउन करूंगा तो ये अप डाउन हो रहा है, ठीक है। अप डाउन करने के बाद आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं अभी इंटू 5 सिलेक्ट करता हूं, 5 के बाद इसको प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखो प्रोब इंटू 5 आ गया। वापस चेंज करना है तो वापस इसको मैं प्रेस करता हूं, वापस इससे मूव करता हूं, वापस कर देता हूं, आ गया। फिल्टर दिया है, फिल्टर मतलब कौन सा आपको फिल्टर चाहिए, यहाँ पे फिल्टर जो है अलग अलग फिल्टर होते हैं। फिल्टर अभी ऑफ है, हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर जो होते हैं वो हमारा ऑफ है, ऑफ करके रखा हूं, मतलब ये डीसी कंपोनेंट भी दिखाएगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मेरा एसी कंपोनेंट दिखाना चालू कर दिया है, इसके बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया। ये फिल्टर टाइप दिखा रहा है आपको, फिल्टर टाइप में कैसा है, यहाँ पे राइजिंग एज है, फिर यहाँ पे फॉलिंग एज है, बाद में लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, फिर बैंड पास फिल्टर है, वो अलग अलग फिल्टर है। आपको जो भी फिल्टर चाहिए आप यहां से ये सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। यहां पे दिया अपर लिमिट, क्या लिमिट क्या रहेगी वो आपको पूछ रहा है, अपर लिमिट कितनी रहेगी, इसको वैरी करूंगा तो यहाँ पे लिमिट यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। ये चैनल वन का हो गया, इसी तरीके से चैनल टू भी है। मैं चैनल टू प्रेस करता हूं तो यहां पे देखिए आप यहां पे लिख के आ गया चैनल वन, चैनल टू करूंगा तो यहां पे लिख के आ गया चैनल टू, ओके। तो चैनल वन और चैनल टू पे करते हैं, चैनल टू पे भी मैं एक वेवफॉर्म लगा देता हूं, मैंने फंक्शन एंटर से जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, ऊपर आप देख रहे होंगे कि आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। ये चैनल वन आ गया, चैनल वन को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, सेट कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये चैनल आ गया, इसमें हमको अभी इसको साइन में दिख रहा है, आपको यहाँ पे साइन में दिख रहा है, चैनल वन है मेरा, और इसको छोटा कर देता हूं, ये मेरा चैनल टू है, ठीक, ओके। चैनल वन और चैनल टू एक साथ आप देख रहे हैं,
अगर आपका वेवफॉर्म नहीं सेट हो रहा है, मीन्स जैसे कि मैं अभी सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा वेवफॉर्म अभी सेट हो गया, अगर मेरा ये वेवफॉर्म सेट नहीं हो रहा है, समझिए किसी वजह से सेट नहीं हो कर पा रहा हूँ या तो नहीं सेट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, ये ऑटो स्केल प्रेस कर देना है। ऑटो स्केल प्रेस करने पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको वेवफॉर्म सेट करके लाके देगा। जैसे मैं अभी सेट दबा दिया तो देखिए मेरा चैनल वन पे ऊपर चला गया। इसको अगर ये मेनू हटाना है तो मुझको ये मेनू प्रेस कर दो एक बार, अभी हट जाएगा। आप देख रहे हैं ये आ गया मेरा दोनों वेवफॉर्म आ गया। मैं इसको अभी यहाँ पे एक दूसरी की है रन एंड स्टॉप। रन एंड स्टॉप का काम क्या है कि वेवफॉर्म अभी रन हो रहा है, इसको जब मैं प्रेस करूंगा तो इसका कलर चेंज हो गया, ये रेड हो गया और वेवफॉर्म स्टॉप हो गया। तो अब इसको आराम से आप देख सकते हैं रन एंड स्टॉप करके, ठीक है। तो आपको दोनों दिख रहा है, मैं इसको जैसे ही छोड़ूंगा स्टार्ट हो जाएगा वापस। ओके, यहां सिंगल एक बार दबाऊंगा तो एक बार रन कर देगा, फिर वापस दबाऊंगा तो एक बार ऑफ करेगा। मीन्स अभी एक बार रन किया मीन्स एक पल्स देगा, मीन्स आप पल्स की जैसे समझिए कि सिंगल मतलब इसको मैं प्रेस किया तो मतलब एक वेवफॉर्म मूव हो गया मेरा, फिर प्रेस किया तो एक वेवफॉर्म मूव हो गया स्टॉप हो गया। इससे करूंगा तो कैसे कि ज्यादा टाइम ले रहा है, बराबर ऑफ ऑन ऑफ, लेकिन इससे अपना प्री डिसाइड टाइम पे ऑन ऑफ करते रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया डिफॉल्ट किस लिए होता है, और यहाँ पे फाइल है ये आपको बाद में बताऊंगा। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा, ये हॉरिजेंटल फंक्शन क्या है, आपको वर्टिकल फंक्शन मैंने बता दिया चैनल वन का अप डाउन, चैनल टू का अप डाउन। अब हम लोग हॉरिजेंटल फंक्शन देखेंगे। हॉरिजेंटल फंक्शन में से पहला पोटेंशियोमीटर है, जैसे मैं इसको वेरी करूंगा तो ये मेरा वेवफॉर्म वेरी हो रहा है, और यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये वेरी हो रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं इसको लेफ्ट राइट करना है तो मेरा लेफ्ट राइट हो रहा है। ओके, ये मेरा लेफ्ट राइट हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा है हॉरिजेंटल, ये मेरा हॉरिजेंटल आ गया। इसको मैं हॉरिजेंटल जब एक की जो दिया है हॉरिजेंटल, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आता है जूम। अभी जूम ऑफ है, जूम मैंने ऑन कर दिया। जूम ऑन करने के बाद क्या हो गया, आप ये जो नीली पट्टी देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में जो वेवफॉर्म है ये मेरा नीचे यहाँ पे दिखा रहा है। इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूँ, इसके ये जो की है इससे, जो एक्स वाली टाइम पीरियड का नॉब है उससे मैं वेरी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको इतना छोटा कर दिया, अब इतना छोटे पे क्या होगा, आपको ये दिख रहा है, ये मतलब ये वाला ये दिख रहा है, और ये जो फॉलिंग एज दिख रहा है ये मेरा ये फॉलिंग एज दिख रहा है। तो आप ऐसे वेवफॉर्म को एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट क्या है देखिए, अभी ये यहाँ पे जूम किया, जूम को यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, शॉर्टकट कैसा है, अगर शॉर्टकट आपको करना रहेगा तो आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पे लिखा है पुश टू जूम, जैसे मैं टाइम पीरियड का की पुश करूंगा तो जूम ऑटोमेटिकली जूम हो जाएगा, और जैसे इसको वापस पुश करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट हो गया, यहां से मैनुअल भी कर सकते हैं, यहां से शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले ऑपरेट करने के पहले इनके जितने सारे बटन्स हैं वो बटन्स पे क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, बटन के बगल में क्या लिखा है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताया, यहाँ पे अभी जूम का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे अब जूम का ऑप्शन यहां से आया था, हॉरिजॉन्टल मैंने इसको प्रेस किया था, ये प्रेस करूंगा तो जूम का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे टाइम बेस मीन दिखा रहा है वाई टी मीन्स की नॉर्मल ऑसिलोस्कोप मोड, देन मैं एक्स वाई करूंगा तो एक्स वाई मोड पे चले जाएगा, एक्स वाई मोड पे डॉट आता है, डॉट मोड पे चले जाएगा। जैसे आप इसको इनेबल कर दिया तो ये मेरा एक्स वाई मोड आ गया, देख रहे ये आपको थोड़ा इससे आगे लेता हूं, ओके ठीक है। ये मेरा एक्स वाई मोड आ गया, मैंने चैनल दोनों चैनल दिया है इसलिए मेरा इस तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं दोनों चैनल ऑफ कर देता हूं, ऑफ कर दूंगा, अगर दोनों चैनल मैं निकाल दूंगा तो एक डॉट लाइन दिखेगी, जैसे एक डॉट दिखेगा जैसा कि आपको सीआरओ में दिखा था, ठीक। तो अभी मैं मोड पे जाता हूं वापस, इसको एक्स वाई है, इसको चेंज करता हूं मैं, यहां पे आ गया। अब इसको रोल मीन्स कंटिन्यूअस वेवफॉर्म, आप देखो देखिए ये इसको बोलते हैं रोल, या अब चेंज ये नहीं चेंज, इसका जो रोल जो है, रोल मीन्स ये आपको डार्क पैच दिखा रहा है, ठीक है, दिख रहा है आपको डार्क पैच दिखाएगा। आप इसे सेट भी करने की कोशिश करेंगे तो वो सेट नहीं होगा, अगर कभी आपके सीआरओ में इस तरीके से दिखने लगे, मतलब पैटर्न देखने के लिए होता है कि कहीं पे वेवफॉर्म कम तो नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों वेवफॉर्म सेम चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वेरी नहीं किया है, दोनों इनपुट हमारा सेम है। इसके लिए इसको वापस रोल को दबाता हूं और इसको वापस मैं करता हूं वाई टी मीन्स अपना नॉर्मल मोड, ठीक है। यहाँ पे सेट रेट दिया है, आप इसको अलग अलग रेट भी सेट कर सकते हैं, ये बात ये हमारे इतने काम का नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये हो गया, हमारा ये पार्ट हो गया है। इसके बाद
यहां पे हम लोग आते हैं, यहां पे पहला की है कर्सर की। अब कर्सर की प्रेस करने पे क्या होता है, देखिए मैं यहां पे कर्सर की प्रेस कर दिया, यहां पर आप देख रहे हैं कर्सर, कर्सर का क्या लिखा है मोड ऑन। अब जैसे मैंने आपको बताया इसके सामने ये है, इसको मैं प्रेस करता हूं, यहां पे लिखा है मैनुअल, तो मैनुअल मोड कर दिया। मैनुअल मोड करने पे क्या होगा, देखो आप दो यहां पे दो लाइन दिख रही है आपको, एक लाइन ये है एक लाइन मेरी ये है, राइट। यहां पे लिखा है कर्सर ए, इसका कर्सर ए का दिखा रहा है आपको माइक्रो सेकंड कितना है, कर्सर बी का कितना टाइम पीरियड, मींस ये एक्सिस पे मूव करेगी। यहां पे 1/T दिखा रहा है, यहां पे फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, टोटल टाइम और फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो मैं आपको मूव करके दिखाता हूं, जैसे कि आपको मूव करना है तो ये मूव हो रहा है, ठीक है। देखिये आप कर्सर ए मूव हो रहा है, ये मेरा कर्सर ए है, ये मेरा कर्सर बी है, कर्सर ए मूव हो रहा है और ये चेंज हो रहा है। अगर आपको कर्सर बी मूव करना है तो इसको वापस प्रेस कर दो, आप एक बार प्रेस करेंगे तो अब कर्सर बी मूव होगा, ओके दिख रहा है, दोनों एक साथ, एक बार और प्रेस करेंगे तो दोनों एक साथ मूव होगा, मतलब एक बार प्रेस करने पे वो ए होगा, दूसरे बार में बी होगा, वापस प्रेस करूंगा तो ए बी दोनों साथ में सिलेक्ट होगा। जैसे आप समझ लीजिए कि मुझे इसका यहां से यहां तक का खाली टाइम पीरियड मेजर करना है कितना है, तो आप कर्सर की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। यहां पे मैं यहां पे सेट किया, प्रेस कर दिया, फिर यहां पे प्रेस किया, फिर यहां पे लेके आया मैं, यहां पे मैंने प्रेस कर दिया, तो आपको दिखा रहा है। अब यहां पे देखिए जो भी मैं सिलेक्ट करता हूं यहां पे वो दिख रहा है। जैसे मैं आप देखिए अभी यहां पे देखिएगा कर्सर, अभी कर्सर ए मेरा हाईलाइट हुआ है, फिर कर्सर बी मेरा हाईलाइट हुआ है, दोनों प्रेस किया कर्सर ए बी हो गया, मतलब जो भी मूव करूंगा मैं कर्सर ए बी होगा। उसका टाइम पीरियड दिखा रहा है मुझको, टोटल टाइम पीरियड दिखा रहा है और यहां पे दिखा रहा है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना हो गया, कितना फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। उस तरीके से मैनुअल है, बाद में ट्रैक है, ट्रैक करेंगे तो क्या होगा, देखिए ट्रैक करेंगे तो ये जो ट्रैक है वेव फॉर्म पे मूव होगा। अब कैसे मूव होगा मैं आपको दिखाता हूं, अब ये मैंने इसको बंद कर देता हूं, मैंने चैनल टू को बंद कर दिया आपको दिखाने के लिए, जिससे मैंने स्टॉप कर दिया इसको। अब इसको थोड़ा नीचे लेता हूं, वेव फॉर्म नीचे लिया। अब ट्रैक क्या करता है, अब आपको मैं कर्सर बता रहा था, अभी कर्सर में ट्रैक क्या करेगा वो देखिए, कर्सर में ट्रैक क्या करेगा, देखिए मैं अब वेवफॉर्म, अब मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, एक बार प्रेस किया तो अब ये मूव हो रहा है, राइट, कौन सा, ये वाला पार्ट, देखिए उस साइड लेता हूं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा, देखिए दिख रहा है, ये मेरा कर्सर ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, या मेरा टाइम पीरियड सेम उसकी जैसा दे रहा है। जैसे मैं इसको वैरी कर रहा हूं, अब ये वैरी कर रहा हूं, देखिए ये वेव फॉर्म पे मूव हो रहा है। जो मेरा पहला कर्सर था वो पहला ये ट्रैक नहीं, जो मेरा मैनुअल था वो क्या होता था, मेरा एक्स पे मूव हो रहा था, मतलब पहले ये पूरा ऐसा होता था, मतलब ये कर्सर पहले पूरा ऐसा मूव हो रहा था, फिर ये ऐसा हो रहा था, फिर दोनों एक साथ कर रहे थे। लेकिन जो ट्रैक है वो क्या करेगा, वो वेव फॉर्म पे मूव हो रहा है, कि आपको पर्टिकुलर वेव फॉर्म का अगर टाइम पीरियड देखना है, कि जैसे कि यहां से ये देखिए यहां पे पीक है, ये पीक से और ये यहां तक, ये पीक तक कितना टाइम है आपको देखना है, तो आपको दिखा रहा है कि ये पीक से राइजिंग टाइम में कितना है, फॉलिंग टाइम कितना है, और सब वो आपको कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करके आपको ऑटोमेटिकली मिल जा रही है। वापस प्रेस करूंगा तो दोनों एक साथ वैरी होना चालू हो जाएगा, समझ में आया, ये मेरा ट्रैक मूव हो गया। इसके बाद वापस प्रेस करता हूं इसी को, ट्रैक के बाद ऑटो पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली अपना ट्रैकिंग करेगा, ठीक। तो ट्रैक को हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑफ करके मैनुअल आपको दिखाया कि मैनुअल करेंगे तो आपका दोनों एक्स एक्सिस पे वेरी हो रहा है, ट्रैक करूंगा तो वेव फॉर्म पे ट्रैक इसको करूंगा तो वेव फॉर्म पे वेरी होता है दोनों, ठीक है, मतलब वेव फॉर्म जैसे जैसे वेव फॉर्म है वेव फॉर्म के ऊपर वेरी होता है। देखिए ये देखिए दिख रहा है वेव फॉर्म पे वेरी हो रहा है, वापस प्रेस किया तो ये वेरी हो रहा है, तो दोनों वेव फॉर्म पे वेरी होता है। इसके बाद ऑटो करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग करेगा, ओके, आप उसको जैसा वैरी करेंगे वैसा ये ट्रैकिंग करेगा। अब मैं इसको रिलीज कर देता हूं, इसको मैं ट्रैक को अभी ऑफ कर देता हूं, ओके। अब मैं क्या करता हूं, वापस कर्सर दबाया, अब मेरा है यहां पे टाइप में कैसे चाहिए, को एम्पलीट्यूड टाइप चाहिए, या अभी जैसे कि मैं अभी जो मेरा था कर्सर वो टाइम में था, मतलब एक्स पे मूव होता था, अगर मुझे वाई पे करना है तो मैं इसको प्रेस करूंगा, एक बार प्रेस किया तो एम्पलीट्यूड आ गया, तब मेरा वो कर्सर एम्पलीट्यूड पे वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है, ठीक है। फंक्शन सेम रहेगा, वाई एक्सिस पे भी आप यहां से यहां तक कितना है, जैसे वाई एक्सिस पे देखेंगे तो यहां से यहां तक कितना है वो मूव कर सकते हैं, दोनों एक साथ मूव कर सकते हैं, और ये भी फंक्शन सेम रहेगा, ये ट्रैक करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे ट्रैक करेंगे इसको तो वाई एक्सिस पे भी ट्रैकिंग करेगा, जैसे ये अब मेरा वाई एक्सिस पे ट्रैक कर रहा है,
इसको वैरी किया, अब मेरा ये वाई एक्सिस पे एक्सिस पे वैरी कर रहा है, ठीक है। तो अब ये सोर्स, अब सोर्स कौन सा है, चैनल वन है, चैनल टू है, कौन सा, चैनल वन मैंने इनेबल किया इसलिए मेरा चैनल वन दिखा रहा है, चैनल टू भी इनेबल कर देता हूं तो यहां पे मेरा अब दोनों दिखाएगा, चैनल वन चैनल टू दोनों दिखाएगा। यहां पे अब मैं करता हूं सोर्स, सोर्स अगर मैं चैनल टू करता हूं तो ये मेरा जो भी है चैनल टू के रेफरेंस में ये हम लोग को वेव फॉर्म दिखाएगा, सोर्स करेगा। अब देखिए यहां पे दिखा रहा है पोजीशन, चैनल वन का पोजीशन क्या है, चैनल टू का पोजीशन क्या है, इसी के तरीके से फिर बाद में ये मेरा यहां पे देखेंगे तो राइजिंग है फॉलिंग है, ये कर्सर, कर्सर का पॉइंट है, आप यहां से वेरी कर सकते हैं, वहां से भी वेरी कर सकते हैं, ए हो गया बी हो गया, दिख रहा है आपको, यहां पे देखिए यहां पे चेंज हो रहा है, ए हो गया ए चला गया, बी हो गया दोनों चला गया, ए बी चला गया, ठीक है। तो ये आप ऐसा मैनुअल भी ये कर सकते हैं, इसे मैनुअल करने के लिए, और यहां पे एक शॉर्टकट की भी दिया है, शॉर्टकट की क्या है कि आप ये पॉट है ये पॉट से ही वेरी कीजिए, एक बार प्रेस करेंगे ये चेंज हो रहा है, वापस प्रेस करेंगे तो वापस चेंज हो जाएगा, मीन्स यहां पे लिखा भी है पुश टू सिलेक्ट, मतलब आप मेनू, ये मेनू के साथ काम करेगा पुश टू सिलेक्ट, मतलब आप इसको प्रेस करेंगे, मतलब यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी आप कर सकते हैं, ओके। अब मैं कर्सर हो गया है, अब मैं आता हूं मेजर, मेजर पे, मेजर क्या करेगा देखिए, मेजरमेंट, अभी कर्सर मैं ऑफ कर देता हूं, ऑटो मोड पे किया, ऑटो मोड पे मिस ऑटोमेटिकली वो ऑफ ऑफ हो जाता है, अब मेरा ये कर्सर ऑफ हो गया है, आपको वेवफॉर्म दिख रहा है दोनों, ओके दोनों वेवफॉर्म दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखा है मेजर, मेजर क्या करेगा, अब मेजर देखिए यहां पे खुल गया, चैनल सोर्स चैनल वन चैनल टू, अब क्या मेजर करना है आपको, चैनल वन मेजर करना है कि चैनल टू मेजर करना है, चैनल वन का क्या वोल्टेज, अब ये वोल्टेज प्रेस किया मैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप, यहां पे देखिए बहुत सारा कुछ आ रहा है, तब आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको वी मैक्स चाहिए, जैसे मेरे को वी मैक्स चाहिए, यहां पे मेरा वी मैक्स आ गया, ओके मेरे को अब, मुझे अब ये चाहिए वीपीपी चाहिए, वीपीपी प्रेस किया तो यहां पे मेरा वीपीपी आ गया, ठीक है। इसकी इसी तरीके से टाइम, अब टाइम पे आपको क्या मेजर करना है, टाइम पे आपको पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, यहां पे मेरा टाइम पीरियड दिखा रहा है, ओके। बाद में वापस मैं टाइम करता हूं, टाइम पे मेरे को अभी फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी यहां पे मेरा, यहां इसको प्रेस करेंगे तो बंद, एक ये बंद हो जाएगा, बंद मीन्स ये छुप गया अंदर इस साइड, तो आपको टाइम पीरियड दिखा रहा है, वापस प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, और आपको सब क्लियर करना है तो इसको प्रेस कर दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। दूसरे उसको नीचे डिस्प्ले करता हूं तो डिस्प्ले दिखा रहा है, डिस्प्ले क्या ऑफ, ऑन करूंगा तो जितने भी पैरामीटर है वोल्टेज के, चैनल वन के या चैनल टू कौन सा आपने सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे चैनल वन, चैनल वन का आपको ये चैनल टू का दिखा रहा है, ये चैनल वन का दिखा रहा है, उसका कलर भी चेंज हो रहा है, देखिए मैं इसको अगर चैनल टू करता हूं तो ग्रीन में दिखाता है, मीन्स इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा चैनल टू है, अगर इसको मैं यहां पे करता हूं चैनल वन पे करता हूं तो येलो में दिखा रहा है, मतलब इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा चैनल वन है, राइट। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, उसी तरीके से यहां पे मेरा डिस्प्ले, डिस्प्ले सेटअप है कि 1 2 3 4 क्या है वो करना है, काउंटर है, काउंटर आप ऑन करेंगे तो यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी काउंटर आ गया, आपको काउंटिंग करके दिखा रहा है वो, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया, ओके। अब सब क्लियर करना है तो मैं उसको ऊपर जाता हूं।